तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीए मैक्रो पावर प्रोग्रामिंग में रिकॉर्डिंग मैक्रो का फीचर, कि मैक्रो को कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे और इस रिकॉर्डिंग मैक्रो के से क्या बेनिफिट है, ये हम आज जो है इसी इसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात जानिए कि रिकॉर्डिंग मैक्रो है क्या। इससे पहले की क्लासेस में भी हम आपको बताए थे कि आखिर मैक्रो है क्या और किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है, राइट सर। देखिए, जैसे कि बहुत सारे लोगों के बीच कंफ्यूजन है कि हम जो वीवीए के जरिए कोड करते हैं उसको वीवीए मैक्रो प्रोग्रामिंग कहते हैं और जो रिकॉर्ड होता है उसको मैक्रो कहते हैं। पहले इस कंफ्यूजन को दूर कर लें। देखिए, दोनों एक ही है। आप मैक्रो जो है वीवीए के थ्रू जब कोड करेंगे वो भी मैक्रो ही होगा, और खुद से अगर रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो भी मैक्रो ही होगा। जैसे कि मान लीजिए कि मैक्रो रिकॉर्ड मैक्रो क्या करता है, वो एक तरह का फीचर है। जब आप मैक्रो को रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया, जो भी आप एक्शन मूवमेंट को करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम, तो नेम लिखने का कोड जनरेट आपका मैक्रो ने कर दिया। तो मैक्रो ने क्या किया, इसकी कोडिंग उन्होंने कर दी कि रेंज वन सिलेक्ट और अपना डाल दिया। अब आप अगर कोडिंग करोगे तो आप भी इसी तरह का मैक्रो पे इसी तरह की कोडिंग करेंगे कि रेंज A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू नेम, राइट सर। तो डिफरेंस क्या, आप देखिए, आप रिकॉर्ड हुआ तो तीन तीन लाइन में और हमने कोड एक ही लाइन में कर दिया, ऐसा क्यों? देखिए, जब रिकॉर्ड होता है तो वीवीए की ऑफिशियल लैंग्वेज को फॉलो करता है, लेकिन जब हम कोड करते हैं तो अपनी जरूरत की कोड करते हैं। जस्ट लाइक आप जब नॉर्मल बातचीत करते हैं तो आप जितनी जरूरत होती है उतना ही बोलते हैं, लेकिन जब किसी को कोई ऐसी चीज में लिखित रूप से देते हो तो पूरी फॉर्मेलिटी को पूरी की जाती है। जैसे आप लीव ही अगर मांगते हो तो बॉस से अगर मौखिक फोन पे मांगना है तो फोन करके कैजुअली बोलते कि बॉस मुझे लीव चाहिए, लेकिन उसी को रिटेन में आपको देना है, डॉक्यूमेंट करना है, तो आप पूरी उसकी प्रोफॉर्मा को पूरा करते हो। उसी तरह से ये होता है। लेकिन रिकॉर्डिंग मैक्रो का बेनिफिट क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, रिकॉर्ड, अब बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर रिकॉर्डिंग मैक्रो के जरिए अगर मैक्रो खुद ब खुद कोड हो जाता है तो हमें प्रोग्रामिंग और कोडिंग सीखने की क्या जरूरत है? तो रिकॉर्डिंग मैक्रो की मदद से आप पूरी की पूरी मैक्रो प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। इसमें रिपीटेशन, लूप, कंडीशन, कनेक्टिविटी, बहुत सारे चीज इसमें नहीं यूज होते हैं। तो जब यूज नहीं होते तो बेनिफिट क्या है? बेनिफिट इसमें है कि जैसे कि बहुत सारे ऐसे काम है जिसको करने में काफी लेंदी है, उसको आप आसानी से रिकॉर्डिंग के जरिए कोड कर सकते हो। कोड में थोड़ी बहुत चेंजिंग कर दो तो आपका काम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम आपको इसमें आज एग्जाम्पल बताते हैं। मैं एक फाइल अपना ओपन करता हूं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक फाइल है और मुझे इस फाइल को फाइल में डेटा है, और मुझे क्या करना होता है कि डेटा के ऊपर फिल्टर लगाना होता है और इस फिल्टर में से किसी पर्टिकुलर डेटा को लुकअप करके कॉपी करना होता है। मान लीजिए कि मुझे सेल्स पर्सन को यहां से कॉपी करके इसकी एक फाइल अलग फाइल में पेस्ट करना होता है और मुझे हर बार करना पड़ता है। तो मैं ऐसा मैक्रो बनाना चाहता हूं कि जैसे ही हम आपसे मैक्रो रन करें, मुझसे पूछे पर्सन नेम, जिस पर्सन का मैं नाम दूं उस पर्सन के डेटा को कॉपी करके एक फाइल में सेव कर देगा एक लोकेशन में। चलिए, तो चलिए इसके लिए हम मैक्रो, हमने क्या किया, इसकी कोडिंग मुझे पूरी तरह से नहीं आती है, मान लीजिए, मैंने स्टार्टिंग में, मुझे तो आती है, पता है आप लोगों को अभी तक नहीं आती है, तो हम भी आप ही के साथ चल रहे हैं कि मुझे भी इस तरह की पूरी कोडिंग नहीं आती है। और हमने यहां से रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक किया, मैक्रो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। फिर हम यहाँ पे सेल्स पर्सन पे गए, हमने फिल्टर में पूजा को सिलेक्ट किया, एड ओके। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप फिल्टर इसमें
मैक्रो रिकॉर्ड मैक्रो में डेटा सिलेक्ट करेंगे तो माउस से मत कीजिएगा, माउस से सिलेक्ट कीजिएगा तो फिक्स हो जाएगा। तो माउस से सिलेक्ट करने के जगह पे हम कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो एंड डाउन एरो के यूज करेंगे, और फिर यहाँ पे हम देंगे, अब कॉपी करने से पहले मैं दूंगा कंट्रोल जी। कंट्रोल जी मतलब कि स्पेशल, और इस स्पेशल में जाऊंगा और लिखूंगा विजुअल सेल्स ओनली। फिर इसको कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद हम इसको पेस्ट करेंगे एक नई सीट में। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और देखने वाली बात है कि मेरे पास ऑलरेडी नई सीट अगर होता तो हम नई सीट फिर भी मैं नई सीट क्रिएट करता, क्योंकि जब माइक्रो रन करोगे तो उस समय नई सीट हो या ना हो, इसलिए। फिर इस सीट का नाम हम देंगे, मान लीजिए रवि का पूजा किया है तो हम यहाँ पे पूजा देते हैं। फिर इसको राइट क्लिक करके हमने मूव किया एक नई फाइल में, और फिर उस नई फाइल को हम सेव एज करेंगे किसमें, एक लोकेशन में से डी डॉक में, पीआर में, किस नाम से, तो पूजा के नाम से, और हमने इसको सेव कर दिया। और फिर हम पूजा वाली फाइल को क्लोज करते हैं और इस पे आते हैं और यहां हम इसको क्लियर फिल्टर कर देते हैं, और मैं इसको स्टॉप करता हूँ माइक्रो को। यहाँ से भी स्टॉप कर सकते हैं और डेवलपर से भी स्टॉप कर सकते हैं। अब इस माइक्रो के अंदर जो हमारा माइक्रो थ्री जो हुआ है जनरेट, उसमें मैं एडिट करता हूँ और एडिट करके इस कोड को देखता हूँ। अब देखिए ये अब इसका कोड इसने क्रिएट किया। अब ध्यान रखिए एक कोड आपका परफॉर्म नहीं करेगा सही तरीके से, क्योंकि इस कोड में कुछ दिक्कत है जो कि आपको हटाना होगा। सबसे पहले देखिए आपका जो कोड है वो एक रेंज को फिल्टर कर रहा है, मतलब कि पूरी एक डेटा को फिल्टर कर रहा है। कल के डेट में डेटा बढ़ता घटता है तो यहाँ पे दिक्कत होगा। तो जनरली हम जब पिवट लगाते हैं तो हम अपना फिल्टर यहाँ से, मतलब कि हम फिल्टर जब लगाते हैं तो हमें ए करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कंट्रोल ए मतलब कि डेटा सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है, हम A1 पे जाके फिल्टर लगा देते हैं, वो ऑटोमेटिकली डेटा को स्पिक कर लेता है। तो हम यहाँ भी इसी चीज़ को कर सकते हैं कि हम डायरेक्ट A1 पे ही फिल्टर लगा दें और डेटा जितना होगा उसके अकॉर्डिंग वो फिल्टर लग जाएगा। उसके डेटा को सेलेक्ट किया हमने, सेलेक्ट किया फिर उसने स्पेशल दिए, हमने कॉपी किया, हमने सीट ऐड किया, हमने सीट को पेस्ट किया। अब यहाँ पे गलत हो गया सीट वन डॉट सेलेक्ट, क्योंकि जब भी सीट ऐड होगा वो हर बार सीट वन नहीं होगा, वो सीट टू सीट थ्री सीट फोर भी हो सकता है। और यहाँ सीट वन डॉट रिनेम के जगह पे मैं इसको एक्टिव सीट कर देता हूँ, क्योंकि जो सीट ऐड हुआ है वही एक्टिवेट होती है ऐसा हम जानते हैं। फिर हमने रेंज को सिलेक्ट किया, पूजा को यहाँ पे सीट डॉट पूजा डॉट सेलेक्ट, अब यहाँ जो पूजा डॉट सेलेक्ट है इसको भी हटा देता हूँ मैं, और पूजा डॉट मूव के जगह पे एक्टिव सीट डॉट मूव कर देता हूँ। और ए जो आया है इसको खास रखने की जरूरत नहीं है। हाँ अब आपका काम, अब आपका ये माइक्रो वर्क करेगा। हमने इसमें जो अननेसेसरी अनडायनेमिक कोड था उसको मैंने यहाँ से हटा दिया, लेकिन प्रॉब्लम है कि हर बार ए पूजा को ही क्रिएट करेगा। मैं चाहता हूँ कि रन होने से मुझसे पूछे, तो मैंने यहाँ पे m इक्वल टू इनपुट बॉक्स का कोड ऐड किया, इनपुट बॉक्स, और फिर इसके अंदर में दिया कि एंटर नेम। अब क्या होगा कि जैसे माइक्रो रन होगा तो एक पॉपअप आएगा, उसमें नाम पूछेगा, उसमें जो नाम डालेंगे वो नाम m पे स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि m क्या है। अब देखिए इसको हम लोग प्रोग्रामिंग भाषा में वेरिएबल्स कहते हैं, डेटा टाइप कहते हैं। अगर हम इसको सही से समझाएं तो जब आप मैथमेटिक्स यूज करते हैं तो मैथमेटिक्स में आप एक्स वाई जेड लेते हैं ना, कि एक्स इक्वल टू 100 वगैरह वगैरह, सेम उसी तरीके से आप जब वीवी इस्तेमाल करेंगे और वीवी की कोड में कोई चीज स्टोर करनी होगी तो हम इसी तरह का वेरिएबल लेंगे और अपने हिसाब से अपना वो जो भी होगा वो एम पे स्टोर हो जाएगा। फिर यहाँ पे जहां जहां हमें इसकी जरूरत पड़ेगी वहां वहां इस m को रख देंगे, m और फिर m, और यहाँ
अब यहाँ पे एम पूजा को, एम को इस तरह से नहीं रखना होगा, इसको कॉन्करनेट करना पड़ेगा, क्योंकि पूजा नेम है और एम वेरिएबल है, जैसे ए वन बी वन सी वन होता है ना उस तरीके से, तो इसको हमें कॉन्करनेट करके ज्वाइन करना होगा। ज्वाइन हो गया, अब आपका फॉर्म ए माइक्रो कोड ऑटोमेटिक हो गया। अब मैं इसको रन करूंगा, चलिए मैं रन करता हूँ। जैसे मैं इस कोड को माइक्रो थ्री को रन करूंगा, रन करते मुझसे पूछेगा नेम, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे नेम दे दिया ललिता, ललिता, और ओके करता हूं। अब देखिए हमारे उस लोकेशन में डी ड्राइव के उस लोक पीआर में, ये देखिए ललिता नाम का फाइल बन गया। अगर इस फाइल को मैं ओपन करूंगा तो आप देखेंगे कि सिर्फ ललिता का डेटा है इसमें। अब माइक्रो रन करने के लिए दो चीजें हैं, जब आप माइक्रो रिकॉर्ड किया तो उसी समय आपने यहाँ पे शॉर्टकट जनरेट कर सकते थे, या फिर आप माइक्रो रिकॉर्ड कर चुके हैं या फिर मैनुअल आपने कोड किया हुआ है, तो अब उस पे जाएं और ऑप्शन पे जाएं और यहाँ पे अपना शॉर्टकट जो डालना चाहते हो वो डालना, डाल के आप माइक्रो का शॉर्टकट डिफाइन कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं बटन्स के जरिए करूं, तो डेवलपर टैब में ही इंसर्ट के अंदर आप जाएंगे तो यही पे आपको दिखेगा कमांड बटन, बटन आप यहीं पे इसको ड्रैग कीजिए। जैसे बटन ड्रैग करेंगे ये आपसे पूछेगा असाइन माइक्रो, आप इस पे असाइन माइक्रो कर दें। अब जैसे इस पे क्लिक होगा, नहीं अगर कभी कोई गलती हो गया तो राइट क्लिक करके भी असाइन माइक्रो कर सकते हैं, हमने इसको सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। अब इसमें क्लिक करते हमारा माइक्रो ओपन हो जाएगा, लेकिन ये बटन तो हमने यहां से लिया है, हो सकता है कि आपने कोई स्टाइलिश बटन या सैप्स या इमेज वगैरह आपने कॉपी कर रखा है, वो आप चाहते हैं कि उस पे जब हम क्लिक करें तो मेरा रन होना चाहिए, तो राइट क्लिक कीजिए, उस पे भी आप असाइन माइक्रो कर दीजिए। जो माइक्रो असाइन करेंगे क्लिक करते ही आपका वही माइक्रो रन होगा। तो अखिलेश जी, अमित जी, राजीव जी एंड संतोष जी, रिकॉर्डिंग माइक्रो को एडिट करना, रिकॉर्डिंग माइक्रो का क्या बेनिफिट करना समझ में आ गया? जी सर, अब इसमें बहुत सारे कोड है आपको जो समझ में नहीं आया होगा, लेकिन क्या है कि शुरुआती दौर में रिकॉर्डिंग माइक्रो आपको लर्निंग के लिए बहुत ही अच्छा वेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप कॉपी या कोड भूल गए, आप पेस्ट करने का कोड भूल गए, आप फॉन्ट अप्लाई करने का फॉर्म भूल गए, आप फिल्टर लगाने का कोड भूल गए, तो आप रिकॉर्ड करके उसकी कोड को देख सकते हैं। ठीक है, तो आप अभी क्या करें, मुझे 10 माइक्रो को रिकॉर्ड करके उसके अंदर जो डेटा नहीं चल रहा है उसको करें और करके मुझे आप भेजें। ठीक है सर, हेलो, ओके सर, दस माइक्रोस क्या करना है सर? 10 माइक्रोस 10 माइक्रो को रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड 10 रिकॉर्डिंग माइक्रो को ट्राई करना है, और उसके ओके अंदर कौन सा कोड आपको समझ में नहीं आया उसको हाईलाइट करके मुझे भेजना है। ठीक 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 है, आप पहले माइक को रिकॉर्ड करें फिर उसको रन करें, रन करने के बाद एरर आएगा उसको डिबग करें, वो एरर वाले कोड पे चला जाएगा, फिर उस कोड को समझे कि आखिर कोड एरर क्यों दे रहा है। समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो मुझे आप भेजिए कि सर ये एरर क्यों दे रहा है, फिर बताएंगे। तो शुरुआती में रिकॉर्डिंग माइक्रो पे काम अगर करते हैं ना सर, तो क्या होगा ना कि आपको फिर जब इसकी कोडिंग सीखेंगे तो आपको मतलब कि बहुत सहूलियत होगी। शुरुआत में मैंने भी रिकॉर्डिंग माइक्रो से ही ट्राई किया था सर, तो हम वहां पे कंपेयर कर लेते हैं कि हाँ इस माइक्रो को रन करने के लिए इस माइक्रो का यूज होता है। हालांकि रिकॉर्डिंग माइक्रो से आप पूरा बीवी नहीं सीखेंगे, लेकिन सीखने में आपको काफी मदद देगा। ठीक है, तो इसको ट्राई कीजिए, फिर कल हम आपको एल्गोरिदम और कोड कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके बाय, सी यू टुमारो सेम टाइम। जी सर, गुड नाइट, गुड नाइट। ओके सर, गुड।